फ्रेंड, ये था पार्ट टू और आज हम जा रहे हैं दूल्हे की बारात। तो अभी ब्लॉग में कंटिन्यू ऐसे रहना, दिखाते हैं आपको रास्ते की मोटर ब्लॉगिंग और शादी की पूरी बारात। तो आज का जो सीन है, और अभी हमारे घर से बारात निकल चुकी है पुष्कर भाई की, हमारे पंकज भाई अपने प्रो खिलाड़ी क्रिकेट के। लौटने बहुत फॉर्म में है, कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं अभी पूरा मजा। चार्जिंग अपने खास बंदे और हमारे जो भाई साहब हैं और भरत ने पकड़ी सगुन कंडी। तो एक बार आपको दूल्हे को दिखाता हूँ और हमारे दूल्हे राजा पूरे रेडी हो चुके हैं, तो चलते हैं अब। अगर किसी को इंट्रो में कुछ बोलना बोल सकता है भाई वीडियो में। मैं चाहता हूँ कि लड़के थोड़ा अपना इंट्रो दे कि तुम्हारा जो जोश अंदर का कैसा है अभी जाने का। प्लीज एक बार अपना जो ऐसा लग रहा है कि आज सब कुछ हमें ही मिला हुआ है। अच्छा, आज हम मेन बंदे बहुत ज्यादा स्पेशल है, बहुत ज्यादा खतरा करने वाले हैं। अभी अभी हम पहुंच चुके हैं अपने घर के गांव के मंदिर के। तो कल रात मैंने इतना डांस किया, इतना नाचा कि मेरी आवाज़ बैठ गई, इसकी वजह से मुझे बोलने में दिक्कत हो रही है। मुझे नहीं पता कि मेरी आवाज़ आपको समझ में आ रही होगी नहीं आ रही होगी, लेकिन भाई जैसे कि आपको पता है हमारे गांव में जो है हमारे यहाँ पुल तो है नहीं, लेकिन दूल्हा कोशी में नहाते हुए जाता है। तो देखते हैं आज पुष्कर भाई नहाएंगे, पहले लगता है सुबह नहाया नहीं उन्होंने। फिर भाई फिर बाद में बराती नहाएंगे। तो भाई आज उन्हें नदी तैर के जानी पड़ेगी यहाँ से, इतनी ज़्यादा नदी पीछे देखो। तो चलते हैं, मिलते हैं आपको सीधा पुष्कर भाई के पास, एक बार आपको दिखाता हूँ उनका एक्सपीरियंस कैसा है बारात से पहले, ठीक है। तो अब मैं आपको मिलाने जाता हूँ पुष्कर भाई से। तो आपको कैसा लग रहा है आज? यार तो कितनी बार क्वेश्चन करेगा कैसा लग रहा है यार, आज सबको लगता है वैसे ही मुझे लग रहा है। और मुझे कुछ नया थोड़ा लगेगा, कुछ नया नहीं लग रहा है भाई को। और हमारे चाचा जी हमारे साथ वीडियो बनाते हैं, जो तीसरी शादी है इसकी, वैसे फील हो रहा है जैसे पहले शादी हो। तो आज इन्हें इतनी नदी पैर के जानी पड़ेगी देखो। और हमारा अर्जुन दा और सूटर आदमी अभी शादी की तैयारी कर रहे हैं, मतलब हमारे कुछ गेस्ट आए हैं दिल्ली से जो कि पुष्कर भाई के फ्रेंड है, और एक बार उनसे पूछते हैं कि आपको कैसा लग रहा है यहाँ के। भाई बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, सब कुछ नेचुरल चीजें देखो, दुल्हा भाग रहा है आगे और साथ में यार दोस्त पीछे बराती भी भाग रहे हैं साथ में। तो पीछे पूरी बरातों की झुंड आ रही है और दूल्हा आगे चले गया है। तो एक चीज बता दूं, हमें जो पार करनी नदी ना वो ट्रैक्टर में करनी है, क्योंकि ऐसे तो कर नहीं सकते, पानी बहुत ज्यादा है। और यहाँ पर चलते हुए गाड़ी
में बहुत दिक्कत हो रही जाने में, हमारे ट्रैक्टर नहीं बचना चाहिए बस। ओए ये हमारे मामा जी है, पुष्कर का मामा जी हमारे मामा जी। ये हम है, ये हमारा ट्रैक्टर है। यहाँ पे लौंडे के जूते गंदे हो चुके हैं नदी में, मतलब ट्रैक्टर में बैठ के। अर्जुन तो अपनी गर्लफ्रेंड को निहार रहे हैं कि वो चले गए घर को। कहाँ बैठी है? वहीं बैठी है, बैठी है किनारे पर। हाँ, और इधर भी देखते हुए जो भी फॉर्म में बने, फॉर्म में बिल्कुल। चले फिर हम चले, चलो रे पूरा ट्रैक्टर बैठाते हुए। गाइस अभी हमने जो नदी का बहाव है पूरा पार कर लिया है, और अब हम जा रहे हैं मोहन को, वहाँ से बारात में जाना है। तो देखते हैं आज का एक्सप्रेशन कैसा रहता है हमारे जो बारात का है। वैसे एक चीज़ बता दूँ कि हम अभी मोहन जाने वाले हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं मरचुला, और साथ ही साथ हमारे पूरे ग्रुप के लड़के यहाँ पे खड़े हैं। देखो ये देखो, यहाँ से अब निकलेंगे। कहाँ निकलेंगे हम? अब निकलेंगे हम यहाँ से, घाट घाट का पानी निकालते हैं, घाट घाट का पानी पी पू के उसके बाद हम पहुंचेंगे पता नहीं कहाँ। तो और अभी थोड़ा हमारा जो ब्रेक लिया है हमने, खाने पीने का चीज़ चल रहा है, और साथ ही साथ हमारे चाचा जी जो कुरकुरे का इंजॉय ले रहे हैं, और पुष्कर भाई जो है, और हमारे दादा जो ड्राइविंग। क्या वीडियो लेनी है क्या? चुके हैं दुल्हन के घर, और थोड़ा सा चढ़ाई और चढ़नी है।
अभी हम फाइनली हमने इतना डांस किया, उसके बाद सारे लड़के थक गए। एक बार दूल्हे का हाल पूछ लेते कैसा है। और यहां पर पहुंच चुके हैं अर्जुन दा असवाल साहब वीडियो बनाते हुए। तो गाइज अभी का जो सीन है ऐसा है, अभी खाना खाने जा रहे हैं, उसके बाद डांस और होगा। सॉरी मैंने अपने डांस की वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मैं डांस कर रहा था, कैसे करता। और यहाँ पे अभी तैयारी हो रही है दुल्हन के आने की। उसकर भाई जो है पूरे रेडी हो चुके हैं जयमाला के लिए, जैसे कि चमक रहे पूरे। कुछ कहना चाहते हो कल से मेरे ये डालो, कुछ कहना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो, लेकिन कुछ कह नहीं रहे। कोई बात नहीं, थोड़ी देर में कहेंगे। खाना खा लिया, खाना खा लिया, इन्होंने खाना भी नहीं खाया चक्कर में। और कुछ बुलवाएगा जरूर, बुलवाएगा। तो भाई तुम्हें मिलते हैं थोड़ी देर में, पहले नाश्ता करना। ये है हमारे गाँव के अब मैं क्या बोलूं। अभी हमने कुछ शॉर्ट्स लिए हैं पुष्कर भाई के और भौजी के, तो उस शॉर्ट्स को देख के आपको खुशी हो रही है मुझे पता है। और एक बार मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई इस वीडियो को जो भी देख रहा है तो भाई शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। और इस वीडियो में आपको पता लग रहा है कि शादी कैसे हो रही है यहाँ, क्योंकि ये लॉकडाउन की शादी है और भाई यहाँ पे बहुत कम लोग आए हैं। हम कम से कम गिनती के 10 से 15 लोग आ रहे हैं। अभी हम खाना खा के रेस्ट कर रहे हैं और नीचे चल रहा है शादी का कार्यक्रम, तो थोड़ी देर रेस्ट करेंगे फिर जाके जाएंगे नीचे। तो रोड की वीडियो गिनती
तो आज का सफर जो ऐसा था, तो फाइनली शादी जो है पूरी हो चुकी है। पूरी नहीं हो रही अभी? हो तो गई यार भाई, मेरे तो आज क्यों हो गया। और अब घर जाने की तैयारी है, जो अभी सिंसर होगा घर पे होगा शाम को। तो अब मिलते हैं आपको सीधे अपने गांव की नदी में नहाते हुए शाम को। तो आज का जो डे है बहुत इंजॉय करा हमारा, हमने बहुत डांस किया। और सूर्य भाई ने जो है दूल्हे के जूते नहीं दिए, बहुत घुमाया, बहुत नचाया भी अपने साथ, अपने साथ। और मैं इतना चीखा कि भाई मेरी आवाज़ बैठ गई। चश्मा भी तोड़े सुनी आपने? चश्मा भी टूट गया यार केक। तो फ्रेंड अब मिलते हैं आपको सीधा रोड पे।